तो कॉम्प्लेक्स में क्या है आगे? कौशिश थ्योरम उसका एक क्वेश्चन भी बताया था, ठीक है ना? थोड़ा सा आगे हम लोग अब आ जाना भाई जरा कौशी इंटीग्रल फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, मान के चलो कि एग्जाम में आएगा कौशी इंटीग्रल फार्मूला। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना, इस चैप्टर की ये मान चलो कि एग्जाम में आएगा, 99% आएगा भाई, दोनों क्लास के लिए बता रहे हैं, आप लोग को भी, आप लोग को भी। क्या होता है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, क्या होता है स्टेटमेंट लिखते पहले हम लोग, लेट एफ जेड बी एनालिटिक एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक क्या होता है हम बता चुके भाई, इन अ सिंपली कनेक्टेड मल्टीपली कनेक्टेड जो बताया था हमने, इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, भाई सिंपली कनेक्टेड का मतलब होगा एक ही होगा, मल्टीपली कनेक्टेड मतलब होगा एक के अंदर एक और होगा, जैसे ये सिंपली कनेक्टेड है ऐसे लिखा तो अब ये सिंपली कनेक्टेड है, अब इसके अंदर हमने एक और रख दिया ये अभी भी सिंपली कनेक्टेड है, अब हमने ऐसा कर दिया, अब हमने कनेक्ट करा और इसको ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया ये, अब ये मल्टीपली कनेक्टेड में आता है। अच्छा भाई पर ये सिंपली कनेक्टेड, ये भी सिंपली कनेक्टेड है, लेकिन हमें कनेक्ट कर दे इसको दो, इसके अंदर रख के फिर कनेक्ट भी कर दो, अब ये हो जाएगा मल्टीपली कनेक्टेड, समझ आ गया मल्टीपली कनेक्टेड। तो चलो भाई, तो आपने सिंपली कनेक्टेड डोमेन लिया है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एफ जेड बी एनालिटिक, इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एनक्लोज्ड बाय, ये डोमेन डी क्या एनक्लोज किया गया, बंद किया गया है, एनक्लोज्ड बाय आर रेक्टिफिएबल कर्व, भाई रेक्टिफिएबल कर्व जो है आपकी डेफिनेशन होती है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ऐसा कर्व जिसकी लेंथ आप फाइंड कर सकते हो उसे कहते हैं रेक्टिफिएबल कर्व। जैसे हमें रेक्टिफिकेशन पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर में, रेक्टिफिकेशन था इंटीग्रल कैलकुलस में, मगर पूरे चैप्टर में लेंथ ऑफ कर्व निकालते थे रेक्टिफिकेशन में, तीन चैप्टर नहीं थे, क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन और वॉल्यूम एंड इंटीग्रल, वॉल्यूम एंड सरफेस इंटीग्रल कैलकुलस था। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि लेंथ निकालना कर्व की, तो आपने क्या किया है एफ जेड आपका एनालिटिक है या सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एनक्लोज्ड बाय अ रेक्टिफिएबल कर्व, ठीक है, रेक्टिफिएबल कर्व का नाम दे दिया सी, यानी डी के अंदर सी पाया जा रहा है, और सी रेक्टिफिएबल इसका मतलब है सी की लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो, सी रेक्टिफिएबल मतलब सी की लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, चलो रेक्टिफिएबल कर्व सी, एंड लेट और माना हमने एफ जेड बी कॉन्टिन्यूअस, एफ जेड क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस, कहां इन सी में एफजेड क्या है कॉन्टिन्यूअस है, आपका डोमेन डी है पूरे डोमेन में एफजेड कॉन्टिन्यूअस है पूरे डोमेन में, ये आपका डोमेन डी, ठीक है बना दे, ये आपका डोमेन डी है, ये आपका डोमेन डी है, पूरे डी में एफजेड कॉन्टिन्यूअस है, पूरे डी में एफजेड सब एनालिटिक है, पूरे डी में एफजेड एनालिटिक है याद रखना, पूरे डी में हां ऐसा सब कुछ है, पूरे डी में पूरा एनालिटिक, अब D के अंदर enclosed by a rectifiable, अच्छा नहीं, D से बड़ा C है भाई, रुको थोड़ा छोटा बना ले इसको, अरे हम इसको C कर दे, भाई D enclosed by C है ना, D enclosed by C है, तो जरा देखना भाई, पहले आप C बना लो, ये आपने C बना लिया, D enclosed by C है ना, D C के अंदर होगा फिर, अब इसके अंदर ही आपका D है,
यह आपका सी है, पूरे सी में क्या है आपका एब्सेंट एनालिटिक है, सी में एब्सेंट पूरे सी में एनालिटिक है, ठीक है, एब्सेंट जो है वो आपका पूरे सी में एनालिटिक है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही देते हैं डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। एब्सेंट के अंदर आपका डी है, उसके अंदर आपका डी है, यह आपका डी है, सी के अंदर क्या है डी है, देखो एब्सेंट एनालिटिक है कहां, किसी इनक्लोज डोमेन डी के अंदर, डी के अंदर एनालिटिक है और डी क्या है इनक्लोज बाय सी, यानी डी कहां है सी के अंदर है। अब आगे बढ़ते हैं, एब्सेंट कंटीन्यूअस बेस सी में एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल होगा कंटीन्यूअस होगा वेरीफाइबल कोई बात नहीं, एब्सेंट कंटीन्यूअस सी में एनालिटिक होगा तो डिफरेंशिएबल होता है और डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएबल हमेशा कंटीन्यूअस होता है, जैसे क्वेश्चन होता है कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो हमेशा कंटीन्यूअस होता है, लेकिन कंटीन्यूअस है तो आप जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं ठीक है। तो देन एंड लेट एक बताओ मेरे को, एंड लेट z नॉट बी एनी पॉइंट, z नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ d, z नॉट क्या है d का कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है d के अंदर, कहीं भी d के अंदर कहीं भी, चलो यहां मान ले कहीं भी मान सकते हैं, चलो ये आपका कौन है पॉइंट z नॉट, d के अंदर कोई पॉइंट कौन है z नॉट, तो ये थ्योरम क्या कहता है भाई, ये फार्मूला, तो देन fz नॉट बराबर होता है 1 अपॉन 2 पाई i इंटीग्रल में c fz अपॉन z माइनस z नॉट dz, जो होता है आपका कॉची इंटीग्रल, यही आपको प्रूफ करना है, ये डायरेक्ट अभी हमने लिख दिया है, अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, चलो इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हमें जेड नॉट को एनक्लोज करता हुआ एक सर्कल माना है, क्या मान ले रहे, कंसीडर अ सर्कल, कंसीडर अ सर्कल, सर्कल का नाम कर दे रहे हैं गामा, सर्कल का नाम क्या है आपका गामा, कंसीडर अ सर्कल, सर्कल का नाम डाल दिया हमने गामा, ठीक है, हुज सेंटर, जिसका सेंटर कौन मान लेना, हुज सेंटर का सेंटर मान लेना z नॉट, एंड रेडियस क्या है, रेडियस r या रो चाहे जो मान लो, चलो रो मान ले रहा या r मान लो, तुम मर्जी है, इसके रेडियस कौन है r ही मान ले रहा, r ही मान लो, r ही मान लो, अब r मानते हो शुरू से तो r ही मान लो, सेंटर z नॉट रेडियस r, तो इक्वेशन क्या होगा जरा बताना, देन इक्वेशन ऑफ गामा कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल गामा इज, बोलो क्या होगी इक्वेशन, बोलो इक्वेशन क्या होगी, बोलो कल सारे लिखा देते भाई, उसके बाद सर्कल में सारे लिखा देते सेंटर, अगर सिर्फ ए हो, ए अगर सेंटर ए प्लस आई बी हो, सेंटर सिर्फ आई बी है सब अलग अलग लिखा देते भाई, तो सर्कल गामा जिसका ये, अच्छा तो एक काम करो उसको सिंपलीफाई से कर सकते हो, z माइनस z नॉट r e की पावर i थीटा लिख दो, जब भी मॉड हटा दोगे तो क्या रहेगा r e की पावर i थीटा, ठीक है, मॉड हटा दो तो r e की पावर i थीटा आ जाता है, फिर मॉड ले लोगे तो फिर e की पावर i थीटा का मॉड 1 हो जाएगा, फिर वही r आ जाएगा, इस दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो काम पड़ेगा, z का t है, z नॉट का 0 वो तो कांस्टेंट होता है, r ऐसे e की पावर i थीटा का i, e की पावर i थीटा और थीटा का d थीटा, जब सर्कल लिया है आपने तो थीटा होगा 0 से 2 पाई, गामा क्या है, गामा एक सर्कल है, जब गामा एक सर्कल है तो थीटा क्या होगा 0 से 2 पाई, 2 पाई, वेयर थीटा क्या मेरे की देर है, जहां पर थीटा क्या आपका थीटा जो है वो 0 से 2 पाई, जब गामा आपने सर्कल लिया है तो थीटा 0 से 2 पाई, तो फिर सुन लो भाई, आपके पास fz एक एनालिटिक फंक्शन है और एक आपने कर्व d लिया हुआ है, डोमेन d है, डोमेन d उसकी डोमेन d किसके अंदर है, c के अंदर है, और उसी के अंदर d के अंदर एक पॉइंट z नॉट लिया आपने, और आपको ये प्रूवमेंट करनी है, ये प्रूवमेंट कहलाती है कॉची इंटीग्रल फार्मूला, मान के चलो एग्जाम में आएगा, याद रखना ठीक है, 99% ही आएगा एग्जाम में, 1% ये समझते ना है, हमने क्या किया, हमने z नॉट सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ किया है d के अंदर, z नॉट को सेंटर मान के इसके अंदर में क्या ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है,
ठीक है, जेड नॉट को सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और फिर सर्कल का नाम दीजिए गामा, जिसका सेंटर जेड नॉट, रेडियस आर, तो ये फॉर्मूला दीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत बताना नहीं, नहीं किया तो नोट कर लो भाई। आपने भी ली थी, आपका क्या नाम है? युवराज। हाँ युवराज, डेट ऑफ बर्थ 99 के आसपास की है क्या? नहीं नहीं, पहले ऐसी होती थी ना, तू 99 में युवराज सिंह आए नहीं, एक बार मेरा गेस्ट सही काम कर गया था, मिस्सी में भी 2 साल पहले मिस्सी लड़की कर दी गई, उसका नाम सिमरन था, तो हमने कहा डेट ऑफ बर्थ 95 के आसपास की क्या, चल रही हाँ, सब पिक्चर के नाम पे रखा गया था। चलो बुरा मत मानना, इसी चीज बोल रहे, बुरा मत मानना, चलो अब सुनना जरा सा भाई, क्या करने जा रहे हैं हम, करने के जा रहे हैं, देखना जरा, लेट हम एक फंक्शन मान रहे हैं फाइव जेड, इसको फाइव जेड मान रहे, पता है इंटीग्रल के अंदर लिखा है इसी को, क्या मान लेना है इसको, इसको मान ले रहे हैं हम लोग, क्या मान ले इसको फाइव जेड, इंटीग्रल में पूरा पूरा लिखा है फाइव जेड, एफ जेड एनालिटिक है तो फाइव जेड भी एनालिटिक होगा, लेकिन सिर्फ कहां नहीं होगा फाइव जेड एनालिटिक, जेड नॉट पे एनालिटिक नहीं होगा ये, क्योंकि जब जेड बराबर जेड नॉट रखोगे तो उस वक्त ये इनफाइनाइट हो जाएगा, लिख दे रहा है Since fz is analytic, fz आपका analytic है, fz जो आपका analytic है, कहाँ? In D में, in D में, fz का है analytic है D में, so then आपका क्या होगा? Then phi z भी analytic होगा D में, phi z is also analytic in D, phi z भी analytic होगा in D में, कहाँ नहीं होगा सिर्फ? Z0 को छोड़ करके, except Z0, यानी जब Z0 Z बराबर Z0 होगा उसको छोड़ करके बाकी हर जगह क्या होगा FZ analytic होगा, ठीक है, बच्चे अगर Z0 नहीं होगा तो तब तो इसी बंद, तब तो ये पूरा finite है, FZ पहले analytic किया तो ये analytic, ये पहले analytic होगा, सिर्फ खाली किस कब नहीं होगा जब Z और Z0 बराबर होंगे, तो अब जरा सुनना भाई, Z0 कहाँ है? गामा के अंदर, Z0 कहाँ है? गामा के अंदर, तो यानी जो आपका फाइव जेड है वो गामा के अंदर एनालिटिक नहीं होगा, तो बाकी गामा के बाहर पूरे में एनालिटिक होगा, क्योंकि Z0 कहाँ है बोलिए, Z0 है गामा के अंदर, तो फाइव जेड Z0 पे एनालिटिक नहीं है, Z0 किसके अंदर है? गामा के अंदर, जब फाइव जेड Z0 पे एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब Z0 गामा के अंदर इसका साइकोलॉजिकल एनालिटिक नहीं है, फाइव जेड गामा में एनालिटिक नहीं है, क्योंकि गामा के बाहर पूरे में एनालिटिक है। एक्सेप्ट कहां नहीं होगा खाली, एक्सेप्ट इन सर्कल गामा, गामा को छोड़ के बाकी सब जगह एनालिटिक होगा, तो ध्यान सुनना कैसे लिखते हो, ध्यान सुनना भाई, बाय कॉशीज थ्योरम,
बाय कॉशिस थ्योरम, लास्ट में कॉशिस थ्योरम पढ़ाई थी, किसमें लगाओगे कॉशिस थ्योरम? गामा को छोड़ के बाकी पार्ट में। कॉशिस थ्योरम क्या थे एक बार याद दिलाओ जरा भाई, कॉशिस थ्योरम क्या थे? इंटीग्रल सी एफ जेड डी थीटा बराबर 0, जहां पर एफ जेड क्या होता है, एफ जेड एनालिटिक होता था सी में, एफ जेड एनालिटिक इन सी। जब एफ जेड सी में एनालिटिक होता था तो यहां सी लिखोगे, अगर एफ जेड डी में एनालिटिक होगा तो यहां डी लिखोगे, अगर एफ जेड गामा में एनालिटिक होगा तो यहां पर गामा लिखोगे, अगर एफ जेड गामा माइनस सी में एनालिटिक होगा तो यहां गामा माइनस सी लिखोगे। और जो फंक्शन लोगे वो यहां लिखोगे, हम फंक्शन ले रहे फाई जेड। अब आप बताइए यहां क्या लिखेंगे, हमने इतना बोल दिया, अब आप बताइए यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे उसको देख के बताइए, किस में एनालिटिक है, पूरे c में गामा को छोड़ करके, तो इनको इंटीग्रल c माइनस गामा, और किसकी बात हो रही है, बस यही समझाया था हमको, तो हमने c माइनस गामा के लिखा, गामा में एनालिटिक नहीं है, तो गामा में z नॉट पाया जा रहा है, और z नॉट पे फाइ z एनालिटिक नहीं है, क्योंकि अगर फाइ z नॉट रख देंगे यहां पर z की वैल्यू तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको ब्रेक करके लिखते हैं, कैसे ब्रेक करते, सुन लो जरा, इसको ऐसे लिखते हैं, c1 phi z और ये माइनस का क्या होगा, माइनस का गामा phi z dz इक्वल टू 0। एक को उधर भेज दो, इसको उधर भेज, इसको ऐसे नहीं दो, उसको प्लस वाला माइनस वाला कर दो, phi z dz इक्वल टू हो जाएगा भाई गामा phi z और dz। चलो phi z की वैल्यू पूरे में रख दो जरा सा, आज ही जाके तैयार करना, इंतजार मत करना, बिल्कुल आज ही जाके तैयार करना, जितने बिजी हो आप सब लोग आज ही जाके तैयार करना, आज इसको नहीं तो कल जब तैयार करोगे तो कल तक ध्यान नहीं रहेगा, घर जाना रेड पे टेस्ट कर लेना, फिर तक फिर तैयार कर लेना इसको। आज phi z की वैल्यू रख दो, यहां भी phi z की वैल्यू रख दो, ठीक है, फाइजेट की वैल्यू। इसमें क्या करना है, अब सुनना जरा, इसमें क्या करना, इसमें आप क्या करो भाई, एफ जेड नॉट सब्ट्रैक्ट कर लो और एफ जेड नॉट ऐड कर लो, एफ जेड नॉट, ये कैसे पहचाना एफ जेड नॉट, प्रूवमेंट में देखिए एफ जेड नॉट ही बराबर तो आ रहा है समथिंग, प्रूवमेंट क्या एफ जेड नॉट ही बराबर तो आ रहा है, और नीचे जो लिखा है उसको इसके नीचे भी ले लो और इसके नीचे भी, अब ये रिकॉर्ड कर दीजिए, अगर फिगर हो कोई काम नहीं, फिगर भी रेस्ट कर दीजिए, फिगर का बस इतना ही काम होगा। आप क्या करोगे भाई, ये आप कौन लिखा है, अलग अलग इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, ये अलग डाल दो इसमें, यहाँ अलग डाल दो इसमें, एक्सेप्ट नॉट बाहर आ गया भाई, जब dz लिखा है ना तो z वाला टर्म जो नहीं हो बाहर आ जाएगा, fz नॉट में z तो है ही, z नॉट है बाहर। अब ये आपका हो गया, कौन इधर क्या लिखा भाई, ये ऐसे ये तो ऐसे चलेगा लास्ट तक की, वैसे कुछ नहीं करना है, ये नंबर वन मान लो, अब एक एक उठाओ, एक एक उठाओ, ठीक है, चलो इसको लिख लो भाई अच्छे से, नहीं लिखा है तो आपने युवराज क्लास क्यों नहीं ली थी, कल क्लास क्यों नहीं ली थी, ये क्लास भाई डेली हो रही, जल्दी से अभी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगी, इसीलिए लगा दे इसके टाइम बताया था, साढ़े कितने बजे, 11:30 बजे, अरे तो थोड़े दिन आ जाओ भाई बस खत्म, थोड़े दिन की बात है, अब दो दो बार किसे लगा, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स है वहां भी है, अरे तो अटेंड कर लेना, जितने प्रैक्टिकल लोग रिकॉर्डिंग कर दे रहे ना, प्रैक्टिकल भी रिकॉर्डेड देख लेना भाई, थोड़े दिन की बात है बस, 15 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा, आपका बहुत बिजी है भाई, क्या कर सकते हैं बताइए, हम खुद परेशान है, अभी आज लाल मिले वालों को लगाया, पीछे ले गए सर, ऑफलाइन लगाइए ऑफलाइन लगाइए, हमने कहा नहीं लगाएंगे ऑफलाइन, लाल मिले जाओ, आने जाने का मिला खाली 1 घंटे से ऊपर हो जाता है, नमस्ते 8-9
9 किलोमीटर 9 से 8 7 क्या किया जाएगा क्या अरे आज जाके कॉलेज में पता करो भाई, रात को मस्ती वाले हो आप, कॉलेज जाके पता करो। थर्डे में है नहीं, पता नहीं क्यों प्रोजेक्ट दे रहे थर्डे में, इस बार तो है नहीं सिलेबस में। एक उठाओ भाई, कंसीडर चलो एक उठाओ। पहले ये अलग बात, 1 अपॉन गामा सॉरी गामा z माइनस z नॉट इज एक उठा लो, x नॉट भी लिखी है साथ में, एक उठा लीजिए ठीक है। पहले ये उठा के सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसको उठा के करेंगे और फिर दोनों की वैल्यू यहां रख दें, बस खत्म, इतना ही करना हमको, प्रूवमेंट आ जाएगी। भाई एक बात बताए, f z नॉट तो इसी है भैया, z लिमिट आई तो कांस्टेंट बात कर लो भाई, बस ये 2 पाई आ जाएगा बस खाली, और चल तो इसकी वैल्यू आ गई ठीक है। मेन तो वो वाला है भाई, दूसरा वाला है, ये तो इजी है एकदम। अब दूसरे वाले की वैल्यू निकाल लो, रख लेना ठीक है, इसको दो नंबर। अब इसकी वैल्यू निकालो, इसकी निकालो, कंसीडर इंटीग्रल गामा fz upon fz naught or upon z minus z naught, और ये लिखा है डिग्री, इसको उठाए, इसको उठा के ऐसे नहीं करना, इसको इसको क्या कर लो भाई, इसका मॉड ले लो, क्या करोगे इसका मॉड ले लिया मॉड ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है भाई, याद रखना मॉड की, सुन लो अच्छे से भाई, प्रॉपर्टी होती है मॉड की, क्या होती है देखना यहां से, कभी भी मॉड के अंदर इंटीग्रल fz या dz कुछ भी लिखा है मान लो, तो ये होता है less than or equal to, इंटीग्रल के अंदर दोनों मॉड चले जाते हैं less than or equal to हो गया dz में, ये प्रॉपर्टी याद रखना ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। इसमें बताना क्या होगा, ये हो जाएगा less than or equal to, less than or equal to, यहां हो जाएगा fz माइनस, इसमें भी जाएगा मॉड, इसमें भी जाएगा मॉड, इसमें भी जाएगा मॉड। चलिए बताइए कोई दिक्कत, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, देखिए लिखी साइड में, उसको सही से लिख दे रहे, साफ साफ लिख दे रहे प्रॉपर्टी, जरा उसको ये प्रॉपर्टी लगाई हमने कि अगर आपका मॉडुलस के अंदर अगर इंटीग्रल fz dz लिखा है तो ये लेस देन और इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ मॉड fz और मॉड dz, ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब जरा क्या करने जा रहे हैं, ये नंबर वन याद रखो, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, बाद में इसकी जगह लिख देंगे, इसको लिख देंगे फिर से पर। अब क्या पता है आपको, इसको नंबर वन लिख दिए, आपको पता है गिवन है कि fz कंटीन्यूअस है, fz इज कंटीन्यूअस, पूरे c में कंटीन्यूअस है ना, पूरे c में, तो गामा भी तो c के अंदर ही है, तो देन fz कहां होगा, fz इज कंटीन्यूअस, गामा भी सी के अंदर है और सी के अंदर ही z नॉट भी है, तो पूरे सी में तो सी के हर पॉइंट पे है एट z नॉट, fz आरो कंटीन्यूअस है किसमें, पूरे सी में उन्होंने दिया हुआ है, जब सी में है तो सी के अंदर ही तो z नॉट भी है, तो इसका z किसपे कंटीन्यूअस है, z नॉट पे भी कंटीन्यूअस है, अच्छा fz अगर z नॉट पे कंटीन्यूअस है तो फिर आप कंटीन्यूअस की डेफिनेशन याद करो डेल्टा वाली, तो देन डेफिनेशन लगाओ, for every epsilon greater than 0 याद है कुछ कुछ
देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 पढ़ाए ना भैया, सच दैट, सच दैट क्या होता है भाई, ये होता है आपका मॉड z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा इंप्लाइज fz माइनस f नॉट लेस देन एप्सिलॉन, क्या लाइक कुछ इसे फर्स्ट ईयर में भैया थर्ड ईयर में हमने पढ़ाया है और ये आपने पढ़ा होगा नहीं भाई, इसे कहते हैं डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसे कहते हैं डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। रख दो उसको उठा के 3 में, 3 में रख दो भाई, पुट इन 3, तो बताइए क्या मिल जाएगा, जरा बताना, यह जाएगा इंटीग्रल गामा fz माइनस fz नॉट अपॉन z माइनस z नॉट dz, यह जाएगा लेस देन और इक्वल टू, ये कौन है बोलिए, ये तो आपका लेस देन एप्सिलॉन है, ये तो आपका लेस देन एप्सिलॉन है, तो लेस देन और इक्वल टू नहीं आएगा, अब क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन, अब तो ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसकी जगह क्या रख दोगे, लेस देन एप्सिलॉन, इसकी जगह लेस देन और एप्सिलॉन, मॉड z माइनस z नॉट तो आ रहा है, शुरुआत एकदम शुरुआत में लिखा है, मॉड z माइनस z नॉट तो आ रहा है, dz की बात जरा कर लो, अच्छा ये देखो जरा पीछे लिखा है भाई, देखो dz क्या है बताओ, r i की पावर i थीटा d थीटा, देखो dz यही है, सब लोग देखो dz यही है, मिला एकदम स्टार्टिंग में लिखा ना dz, तो mod dz तो पीछे बात मत करो भाई, mod dz कितना होगा, mod dz हो जाएगा r i e की पावर i थीटा d थीटा, r का mod r ही होता है, i का mod 1 होता है, सब में मॉड अलग अलग चला जाएगा भाई, डी थीटा में मॉड नहीं लगता भाई, डी थीटा रियल नंबर होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड किस पे लगता है, इमेजिनरी पे या नेगेटिव पे, डी थीटा हमेशा रियल होगा क्योंकि एंगल है, डी थीटा क्या होता है, चेंज इन एंगल, एंगल रियल होता है इसलिए डी थीटा पे मॉड लगेगा नहीं, और हमेशा डी थीटा पॉजिटिव होता है क्योंकि चेंज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, डी थीटा एंगल होता है इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, एंगल रियल होता है और डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि चेंज होता है, बात मत करो भाई, आर इसका मॉड 1 इसका मॉड 1 क्या बचा बोलो, डीजेड का मॉड, तो मॉड डीजेड की वैल्यू रख दो आर डी थीटा, अच्छा डी थीटा निकलो तो थीटा क्या होता है बोलो, अच्छे से देख लो भाई, बाद में बहुत दिक्कत करेगा नहीं, अच्छे से देख लो भाई, आर से आर कट गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट लगाओगे 0 से 2 पाई तो हो जाएगा 2 पाई आएगा, और ये कितना रहेगा एप्सिलॉन, तो जरा बताना क्या आ गई, क्या रहेगा इंटीग्रल में गामा fz नॉट z माइनस z नॉट dz, और इसकी वैल्यू आ जाएगी लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन, इतना लिख लो, कोई दिक्कत बताओ भाई, क्यों नहीं रहे हो, बहुत सही भाई, जब भी बड़ों की तरह पढ़ोगे भाई तभी कुछ नहीं बन पाओगे, जब बच्चों की तरह पढ़ोगे फेयर बनाओगे अच्छे से लिखोगे तभी कुछ पढ़ पाओगे, सब कोई लाइन में दिक्कत तो नहीं, बताइए कहीं पर taking epsilon tends to zero, इक्वेशन को याद रखना ठीक है, इसका यूज करेंगे हम, इसको इरेज कर देना, taking epsilon tends to zero, taking उसी के आगे से है epsilon tends to zero,
बताओ ये कितना है, बताने जरा सा। गामा एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, नीचे हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, और ये हो जाएगा टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा आपका टेंड्स टू जीरो। जब साइलेंट टेंड्स टू जीरो लिया ना आपने, जब साइलेंट टेंड्स टू जीरो तो यार जीरो रखोगे तो ये भी क्या कहलाएगा अंदर वाला भी टेंड्स टू जीरो। जब नॉट के अंदर वाला जीरो तभी होता है जब नॉट, सॉरी जब नॉट जब भी जीरो होता है उसके अंदर वाला जीरो, तो इसका मतलब अंदर वाला भी क्या कहलाएगा टेंड्स टू जीरो। मॉड कभी भी आया अपने कभी मॉड टेंस टू जीरो है इसका मतलब अंदर वाला भी क्या होगा टेंस टू जीरो। अब ये नंबर मान लेना चार, यूजिंग टू एंड फोर इन वन, दो और चार का प्रयोग वन में कर दो इन वन। सर बता दो क्या क्या बनेगा जरा बताओ, वन नंबर पीछे जगह का वन नंबर क्या है बताओ जरा, वन नंबर क्या है देखने जरा, वन नंबर नंबर में क्या लिखा है बोलो, इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन एफ जेड माइनस जेड नॉट डी जेड बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है जीरो, और प्लस क्या लिखा होगा बोलो, उसकी वैल्यू कितनी थी टू पाई आई एफ जेड नॉट, ये लिखा होगा हमारा लिखा होगा एक और, एक की वैल्यू जीरो है उसकी वैल्यू है, तो एफ जेड नॉट कितना आ गया बोलो भाई, एफ जेड नॉट आ जाएगा वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, दिस इज द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला।